तो अभी मैं मॉर्निंग का टाइम है और अभी लगभग 10 बज रहे हैं और अभी मैं मछली बना रही हूँ। तो गाइस इधर मच्छर बहुत है, ये घर का पीछे का हिस्सा है और इधर मैं भी मछली बना रही हूँ। छत पे पानी लगा हुआ है। बैडमिंटन लेके इधर मच्छर को मार रही हूँ, मुझे मच्छर बहुत ही काट रहा था। इधर बाड़ी है ना, तो इधर से मच्छर बहुत आता है। तो मेरा इधर मछली बन के इधर फ्राई होके रेडी हो चुका है और आप लोग देखिए इसमें मसाला कितना पिसा हुआ। मसाला धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, मस्त खुशबू आ रही है मछली का पूरा मसाला से। और इधर मेरा मछली पूरा फ्राई हो चुका है। इसी में मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है, धीरे धीरे ये भुना रहा है मसाला। वाह, चिड़िया सब पहुंच गई है। मसाला धीरे धीरे पक चुका है, अब ये तेल से नीचे छोड़ रहा है मसाला। यहाँ ग्रेवी पूरा बॉयल हो चुका है।
मछली तैयार हो गया है और आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कि मछली कैसा बना है। मछली तो खा रही है, दादी को मछली कैसा बना दिखाओ। बहुत टेस्टी बना मछली, मैं तो मछली रोटी खा रही हूँ। दादी इतना मछली खा के रख दी, ये सब हम खाए इतना निकाले हैं। देखते हैं आप आएगा तब ना। क्या बात कर रहा है, रुको चुप रहो। दादाजी छोड़ दीजिए। तो ये चाचू और मैंने मिलके बनाया। छोटी कैसा है? तो नव्या कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। छुट्टी कैसा बीत रहा है? बहुत ही अच्छा जा रहा है छुट्टी मेरा। तो आज नव्या ने भी मछली खाया है ना? हाँ, पहली बार बिना नखरा के। और आराध्या खाने में नखरा की, तो आराध्या ने नहीं खाया। हाँ, क्योंकि वो है ही नखरेबाज। नखरेबाज है। ये स्लाइम है। क्या कर रही है स्लाइम के साथ? खेल रही हूँ। मेरे हाथ कितने गोरे। और आराध्या को मैं दिखाती हूँ। गाइज़ ये अजीब सी डॉल मुझे किसी ने मेरे बर्थडे पे दी थी। मैं इस टाइप से की डॉल से बिल्कुल नहीं खेलती हूँ। मैं मतलब ज़्यादा इससे एक्सपेंसिव और मतलब ब्यूटीफुल डॉल से खेलती हूँ। और वो उस 6 महीने से यही है ये डॉल। और छोटी को देखो क्या कर रही है। छोटी क्या कर रही हो? तो ये है वो डॉल। ये बिल्कुल अजीब है, कितनी बेकार लगी है। तो ये डॉल नव्या को बर्थडे में मिला था है ना? पता नहीं किसने दी, लेकिन जिसने भी दी है बहुत गंदी डॉल है। गिफ्ट कोई भी अच्छा ही रखता है। अब इसे रख दो उधर। तो ये ब्लॉग को एंड कर दो। तो गाइस ये डॉल बहुत मतलब क्रीपी भी है। तो अब हो चुका है ये ब्लॉग एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।